किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस की दमनकारी नीति के विरोध में वामपंथी दलों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वामपंथी संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार किसानों का दमन कर रही है। स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिशें नहीं मानते हुए किसान बिल लाए गए जो किसानों के विरोधी हैं। फसलों का समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन में बताया कि वन भूमि पर बसे आदिवासियों के कब्जे के बराबर पट्टे दिए जाएं और सरकार किसानों पर दमनकारी नीति अपनाना छोड़े। आज यह जिला कलेक्टर कार्यालय पे तमाम वामपंथी पार्टियों के नेतृत्वकारी साथी भाकपा और माकपा वाले के साथी इकट्ठे हुए हैं। आज राष्ट्रपति महोदय के नाम पर किसान मार्च पे जो दिल्ली चलो का उनका मार्च था कल 26 और आज 27 तारीख को, उस पर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है उसका पुरजोर विरोध करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन से हमारी मांग है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति जी सलाह दें कि वो किसान संगठन के नेतृत्वकारी साथियों से लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करें और पुलिस दमन पर रोक लगे। साथ में इस ज्ञापन के माध्यम से जो किसान संगठनों की मांग है कि नए किसान विरोधी कृषि बिल वापस हो उसका हम समर्थन करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से फसल का दाम तय हो, सरकारी खरीद की फसलों की गारंटी हो और उनके जो किसान से जुड़े हुए जो कृषि जो उधार है वो उसको माफ हो, ये मांग हम करते हैं। साथ में आदिवासी इलाके के अंदर वन अधिकार कानून के तहत पट्टे जारी हों, इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग भी उठाई।